आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। बीते शुक्रवार को युवक अपने घर से पड़ोस के गांव की कहकर निकला था। वापस न लौटने पर परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। शक के आधार पर तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बयान में सूरज टुडू की हत्या पत्थर से कुचलकर करने की बात को स्वीकार किया है। साहिबगंज पुलिस ने पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीते दिनों बोरियो थाना को सूचना मिली कि बोरियो थाना अंतर्गत दुर्गा टोला के बतन टूडू के पुत्र सूरज टूडू ग्राम बास कोला जाने की बात बोलकर घर से निकला, जो वापस नहीं आया है। इस संबंध में पुलिस को घटनाक्रम की सूचना दी गई। मिले उक्त सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी साहिबगंज के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम के सदस्यों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए महज 24 घंटे के अंदर घटना में शामिल सदस्यों मंजरा हेम्ब्रम, बाबूराम सोरेन एवं चार्ल्स सोरेन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बयान में सूरज टूडू की हत्या पत्थर से कुचलकर करने की बात को स्वीकार किया है तथा इन लोगों की निशानदेही पर मृतक सूरज टूडू के शव सहित हत्या में प्रयुक्त पत्थर को भी बरामद करने में सफलता हासिल की। घटना का कारण त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग बताया गया है। कल दिनांक 3/6/2022 को बोरियो थाना में सूचना मिली कि वतन टूडू के पुत्र सूरज टूडू, जो दुर्गा टोला के रहने वाले हैं, बांसकोला के लिए 29/5 को गए थे, जो आज तक वापस नहीं आए। इस संबंध में उनके बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और अनुसंधान प्रारंभ किया गया और त्वरित अनुसंधान करते हुए पेशेवर तरीके से अनुसंधान किया गया SDPO के नेतृत्व में और उसमें शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पे जो शव छिपा के रखा गया था उनकी बरामदगी भी की गई और तीनों ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और इस तरह सूचना प्राप्त होने के मात्र 12 घंटे के अंदर ही अज्ञात शव हत्या जैसे मामले का उद्भेदन किया गया, जो इस टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया और उसके निशानदेही पर जिस पत्थर से उसकी हत्या की गई उसे भी बरामद किया गया। यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग के त्रिकोणीय संबंध के कारण घटित हुई।